आदिवासी लड़की वेटलिफ्टिंग करना या फिर वो जो बेंच प्रेस करना, वो बहुत स्ट्रगल का काम था या बहुत हो गया? स्ट्रगल था बट हो गया। पूर्णिमा कंडुलना, पूर्णिमा को हम लोगों ने पहले भी दिखाया है, पूर्णिमा इससे पहले भी कई पुरस्कार जीत चुके, हमने पहले भी दिखाया है बकायदा वीडियोस में। तो अब ये कितना वजन आपने उठाया? हम 49.9 बॉडी वेट दिए थे जिसमें 150 केजी डेडलिफ्ट उठाए, मतलब वेट। पूर्णिमा कंडुलना के बारे में आपको जानकारी दे दे कि पूर्णिमा का जो बेटा है वो 16-17 साल का है, 13 साल का है, और उसके बावजूद भी इतना वजन उठाना और जीत जाना कैसे संभव हो पाता है? ये सारी चीजें कंटिन्यू प्रैक्टिस में है या आपका शरीर से तो लग नहीं रहा है कि अब उठा पाएंगे? ठीक नहीं, बस उठाते हैं हम शुरू से, बहुत पहले से करते आ रहे हैं प्रैक्टिस है सब। बाकी लोग का तो शरीर दिख रहा है, आपका तो मतलब? मेरा शुरू से ऐसा ही है। 53 केजी के कैसे संभव हो पाया? बस हम 6-7 साल का प्रैक्टिस है, करते करते धीरे धीरे बढ़ते गया, उसके बाद हम हर जगह जहाँ जाते हैं वहाँ पर टाइटल मारने लगे। ये बहुत महंगा खेल माना जाता है, बहुत खर्च होता है, बहुत डाइट लेना पड़ता है, बहुत समय देना पड़ता है, क्या करते हैं आप? हम तो ऐसे अपना डीजे बजाते हैं, मैं डीजे बाजा है, लाइट है, वही साउंड चलाते हैं। है किसी के अंडर का? मेरा अपना ही है और उसी को हम पता चलाते हैं, उसी से जो पैसा आता है उसको हम अपने गेम में भी लगाते हैं और घर में भी देते हैं। नहीं, अभी तक तो हम लोग का वैसा प्रशंसा मिलता नहीं है, जब खेल करके आते हैं तो थोड़ा सा मतलब ये होता है, उसके बाद भूल जाते हैं। बाकी जैसे गेमों की तरह हम लोगों को कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। इस देश और विश्व के अंदर कई सारे खेल होते हैं, कई तरीके के खेल होते हैं, और उसी खेलों में वेटलिफ्टिंग एक खेल है जिसको लोग खेलते हैं, जिसमें भारी भरकम वजन कभी छाती से और कभी हाथ से उठाना पड़ता है। हम रांची राजधानी के पुराना विधानसभा के रसेन हॉस्टल के इस हॉल में है और यहाँ वेटलिफ्टिंग का कंपटीशन था जिसमें बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट दो तरीके के कंपटीशन थे, जिसमें बेंच प्रेस में एक ट्राइबल लड़की ने खिताब जीता है, महिला जो विंग था, और दूसरे में जो डेडलिफ्ट था उसमें भी एक ट्राइबल लड़की ने खिताब जीता। बाकी ये जो पूरा देख रहे हैं, ये जो लोग प्राइज जीते हैं, जो पहला जो जिनको प्रथम पुरस्कार मिला है वो लोग हैं, ये धनबाद से शादी हैं, इनको दो पुरस्कार मिला है। हम लोग मिलते हैं एक एक करके, यहाँ कोच भी हैं, ऑर्गेनाइजर्स भी हैं और कई सारे लोग हैं। पहले जिन लोगों ने जीता उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अस्रिता तिर्की है और मेरे गुरु हुए एकलाख सर। कब से कर रहे हैं आप? मेरा 2 साल हो गया, 2 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं सर के अंडर में। एज ए आदिवासी लड़की वेटलिफ्टिंग करना या फिर वो जो बेंच प्रेस करना, वो बहुत स्ट्रगल का काम था या बहुत हो गया? स्ट्रगल था बट हो गया इजी, लेकिन और अच्छा करना है आगे। ये पहला पुरस्कार है, इससे पहले भी? इससे पहले भी लिए 15। कितना वजन उठाए थे आप? डेडलिफ्ट मेरा सबसे ज्यादा है 155 किलो, जो कि नेशनल रिकॉर्ड रहा है, और बेंच प्रेस है सबसे ज्यादा 90 केजी। ये है 57 कैटेगरी में, लेकिन इस बार मैंने 63 कैटेगरी में खेला। तो मतलब कैसे इस फील्ड में आने की इच्छा की कि सिर्फ ऐसे चले जिम जाते हैं? हो गया। सबसे पहले तो हम फिटनेस के लिए गए थे जिम में, लेकिन मेरे सर ने मुझे पावर लिफ्टिंग के बारे में बताया, फिर उसी के आदेश अनुसार फिर हम पावर लिफ्टिंग में आ गए। और ये जो साथी दो दो इतना बड़ा बड़ा जो आप अवार्ड देख रहे हैं, दो दो लेके जा रहे हैं, चेक भी इनको जो कैश प्राइज मिला वो भी दो को मिला, और जो भी चीजें उसमें साथ में थी सब दो दो मिला। क्या नाम अभी आपका? मेरा आकाश कुमार रवानी नाम है। कहाँ से हैं? मैं कतरास का रहने वाला हूँ। क्या ऐसा कर दिया आपको दो दो को मिल गया, किसके लिए और किसके लिए? दोनों डेडलिफ्ट के है, 55.400 ग्राम बॉडी वेट दे के हम 195 किलो डेडलिफ्ट मारे, जो कि नेशनल में रिकॉर्ड भी है। लेकिन आपका शरीर से तो लग नहीं रहा है कि आप उठा पाएंगे? ठीक नहीं, बस उठाते हैं हम शुरू से, बहुत पहले से करते आ रहे हैं प्रैक्टिस है सब। बाकी लोग का तो शरीर दिख रहा है, आपका तो मतलब? मेरा शुरू से ऐसा ही है। 53 केजी के कैसे संभव हो पाया? बस हम 6-7 साल का प्रैक्टिस है, करते करते धीरे धीरे बढ़ते गया, उसके बाद हम
हर जगह जहाँ जाते हैं वहाँ पर टाइटल मांगने लगे। ये बहुत महंगा खेल माना जाता है, बहुत खर्च होता है, बहुत डाइट लेना पड़ता है, बहुत समय देना पड़ता है, क्या करते हैं आप? हम तो ऐसे अपना डीजे बजाते हैं, मैं डीजे बाजा है, लाइट है, वही साउंड चलाते हैं। किसी के अंडर का? मेरा अपना ही है और उसी को हम पता चलाते हैं, उसी से जो पैसा आता है उसको हम अपने गेम में भी लगाते हैं और घर में भी देते हैं। डाइट मेंटेन कर पाते हैं? हाँ, जितना तक हो पाता है उतना कर पाते हैं, उतना तो पॉसिबल नहीं है हमसे कि हम पूरा पैसा इसी में लगा पाए। आपका क्या नाम हुआ? पूर्णिमा कंडुलना। पूर्णिमा को हम लोगों ने पहले भी दिखाया है, पूर्णिमा इससे पहले भी कई पुरस्कार जीत चुके, हमने पहले भी दिखाया बकायदा वीडियोस में। तो अब ये कितना वजन आपने उठाया? हम 49.9 बॉडी वेट दिए थे जिसमें 150 केजी डेडलिफ्ट उठाए, मतलब वेट। पूर्णिमा कंडुलना के बारे में आपको जानकारी दे दे कि पूर्णिमा का जो बेटा है वो 16-17 साल का है, 13 साल का है और उसके बावजूद भी इतना वजन उठाना और जीत जाना, कैसे संभव हो पाता है ये सारी चीजें? कंटिन्यू प्रैक्टिस में है या? हाँ, कभी कभी छूटता भी है पर कोशिश रहता है कि कंटिन्यू प्रैक्टिस करे। और आगे आते हैं, क्या नाम हो गया आपका? अनीस कच्छप। आपको कौन सा प्राइज मिला है? हमको गोल्ड मिला है डेडलिफ्ट पे। तो आप लोग ट्रेंड रहते हैं, करते हैं कंटिन्यू? हाँ, ट्रेनिंग कंटिन्यू रहता है। और ये जो लोग हैं ये पूरे ऑर्गेनाइजिंग कमिटी है, आकाश नाम हुआ सर? मेरा नाम हर्ष आनंद हुआ, मैं फाउंडर हूँ आयरन वॉर बैटल स्ट्रेंथ वॉरियर्स का। और मैं अब तो एशियन चैंपियन रहे? हाँ, मैं एशियन चैंपियन रह चुका हूँ प्रो पावर लिफ्टिंग में। मेरा पुष्पुल में गोल्ड था और एक डेडलिफ्ट इवेंट में भी गोल्ड था। तो मैंने बैंगलोर में वो गेम कम्पीट किया था तो वहाँ मेरा गोल्ड आया था। फिर वहाँ का मैंने माहौल देखा, वहाँ का स्टेज देखा, तो वो अपने यहाँ जो भी गेम्स होते हैं उससे काफ़ी अलग था। क्योंकि होता क्या है कि एक्चुअली हमारे जैसे छोटे राज्य से खिलाड़ी निकलते हैं तो बड़े जगह पे जा करके वो थोड़ा सा होता है अंडरडॉग हो जाते हैं। तो उनको थोड़ा अंडरडॉग फील ना हो, वो बेटर परफॉर्म करे, तो उस लेवल का थोड़ा स्टेज यहाँ देने का मेरा कोशिश रहा ताकि यहाँ से जो भी लोग निकले उस लेवल तक जाएँ, मतलब नेशनल, एशियंस या आगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। तो एक छोटा सा प्रयास रहा है तो आगे भी इस तरीके का ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, कोशिश रहेगा। और आज जिसका रिजल्ट आपके सामने है सारे चैंपियंस के रूप में। स्पोर्ट्स में जो लोग जाते हैं उनको एक बात की जानकारी हो कि जिस कोर्ट के लिए, जिस जो कोर्ट आप देख रहे हैं भारतीय, इस कोर्ट के लिए लोग परेशान हो जाते हैं। मिल्खा सिंह का भी परेशानी हम लोग इसी कोर्ट के लिए देखे थे। ये सर हैं पावर लिफ्टिंग में इंटरनेशनल, नेशनल कई मेडल्स इनको मिल चुके हैं, फिलहाल यहाँ हैं और इस पूरे कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का हिस्सा भी रहे हैं। सर पहले तो अपना परिचय हम चाहते हैं। मेरा नाम हुआ अशोक कुमार गुप्ता, मैं पावर लिफ्टिंग में वर्ल्ड चैंपियन हूँ, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में 3 बार वर्ल्ड चैंपियन हूँ और पावर लिफ्टिंग में भी 3 बार वर्ल्ड चैंपियन बना हूँ। मैं अभी पिछले 30-35 सालों से पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ, अभी मेरा एज हो गया है 56, अभी तक मैं मतलब कर ही रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पर झारखंड में मिले जिससे बच्चे आगे बढ़ सके, और यही हम लोगों ने कोशिश किया है। आयरन वार एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों ने सेट किया है ताकि बच्चे मेहनत करें और आगे बढ़े। तो मैं चार साल पहले पावर लिफ्टिंग मतलब जब आप कर रहे होंगे तो आपके तो आस पड़ोस के लोग तो मतलब बहुत प्रशंसा तो नहीं कर रहे होंगे? नहीं, अभी तक तो हम लोग का वैसा प्रशंसा मिलता नहीं है। जब खेल करके आते हैं तो थोड़ा सा मतलब ये होता है, उसके बाद भूल जाते हैं। बाकी जैसे गेमों की तरह हम लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है और हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सरकार इसमें भी मतलब कुछ बच्चों को ध्यान दे ताकि आगे बढ़े और इसका भी मतलब पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग का भी नाम हो। हो गया।